इस याद आप सत मेरा नाम आदित्य है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ़ लाइफ टाइरो मैसेजेस फॉर द डे 18th ऑफ जून के मैसेजेस पढ़ने के पहले आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी हु सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे आई डू होप इन प्रे दैट ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेज कम ट्रू आपको जन्मदिन बहुत 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 मुबारक आइए तो देखते हैं एटीनथ ऑफ जून हम सबके लिए कैसा होगा आके एंजल माइकल मै गार्डन एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली स्प्रिट एंड द डिवाइन प्लीज गिव अस एक्सैक्ट मैसेजेस आर इन द हाइट गुड फॉर द जनरल कलेक्टिव फॉर द एटींथ ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थैंक यू ओवरऑल एनर्जी जो है एटीनथ जून की वो एम्प्रेस की एनर्जी है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप कुछ नया क्रिएटिव काम स्टार्ट करोगे वर्क फ्रॉम होम का शायद आप कुछ काम स्टार्ट करोगे कल का जो आपका दिन होगा घर सवारने का होगा ऑफिस सवारने का होगा कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे आ, एम्प्रेस का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है अबंडेंस का कार्ड है सक्सेस का कार्ड है फर्टिलिटी का कार्ड है तो शायद किसी को प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिल सकती है एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको लगेगा कि जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं आप उसको बहुत अच्छे से बहुत क्रिएटिवली कंप्लीट कर पाओगे इन लव एंड रोमांस वी हैव द थ्री ऑफ कप्स आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है तो रिकन्सिलियशन हो सकता है एक दूसरे से कल कुछ बात होगी या तो डेट पे जाएंगे कुछ टाइम इकट्ठा स्पेंड करेंगे मे बी वीडियो कॉल करेंगे uh, अब uh, अगर आपके ये पार्टनर नहीं है तो आपके जो लव्ड वंस हैं आपकी फ़्रेंड्स हैं फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे मे बी कोई पार्टी होगी गेट टुगेदर होगा लेकिन कल का दिन प्यार के लिए काफ़ी पॉजिटिव है बिज़नेस करियर और फाइनेंस में अय्या टेन ऑफ सॉट्स का कार्ड है आ, इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है ये आ, कुछ तो आपको बैड न्यूज़ शायद कल वर्क करियर और फाइनेंस में मिल सकती है आ, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो शायद शेयर्स का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आ, अगर आपको लक जॉब में अगर यू नो शायद आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ना कुछ आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि जो काम आप कर रहे थे वो शायद नहीं कर पाओगे वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा लेकिन आ, इसका ये भी मतलब है कि जो चीज़ आपके लाइफ में बिज़नेस करियर फाइनेंस में ख़त्म हो रही है उसके आगे रोशनी है आ, अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी सुबह हो रही है इन द सेंस कि जो सन है वो फिर से वापस आएगा तो जो अंधेरा था आपके बिज़नेस करियर या फाइनेंस में वो खत्म होगा शायद आपको उसके बारे में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन इन द फ्यूचर पॉजिटिव है एक नई शुरुआत होगी और वो एक पॉजिटिव शुरुआत होगी ऑल right. आप लोगों को अगर कुछ सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चन पूछें और हम देखेंगे कि एंजल्स क्या आंसर देते हैं All right. आंसर इज लिसन टू योर इंट्यूशन ये काफ़ी बार आता है डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि जिस जिस चीज़ का आप जिस चीज़ के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जो आंसर है वो शायद आपको पता है अपने दिल की बात सुने, मन की बात सुने, और आपको उसका जवाब मिल जाएगा ऐसी क्या चीज़ है हमारी लाइफ में जो अगर हम कल के लिए चेंज करेंगे तो हमारी लाइफ में हम कुछ नया पॉजिटिव सीखेंगे एक ऐसी चीज़ जो मे बी हम कल के लिए अर्पण करेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी सरेंडर योर fear फॉर इंटीमेसी

एनी टाइप ऑफ लव सेल्फ लव हो सकता है किसी पार्टनर का लव हो सकता है तो डिवाइन आपको यही कहता है कि जो ये डर है आपके मन में कि uh, मैं प्यार में यू नो शुड आई गेट इन टू शुड आई लेट लव इन मैं प्यार को मेरी जिंदगी में आने दूँ या नहीं तो वो डर को आप निकालें और अपना जो हार्ट है वो ओपन अप करें नए प्यार को लाइफ में एंटर करने के लिए ऑल राइट सो प्लीज़ टेक केयर बिजनेस करियर फाइनेंस में फ़र्स्ट टाइम हमारी रीडिंग में थोड़ा नेगेटिव कार्ड आया है लेकिन ये लाइफ होती है कभी ऊपर तो कभी नीचे एज ऑलवेज़ प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट एंड आई विल सी यू न्यू टुमारोज रीडिंग For all those who are here to listen to the messages in English, the overall energy we have is of the Empress. It's a very positive card to get. It is a card of abundance, it is a card of uh, creativity, it is a card of success, it is a card of fertility as well. So, it could mean that tomorrow you would be starting a new creative project maybe something to do with you know uh, decorating your home uh, maybe something at office uh, this card also implies a lot for people who are working from home so tomorrow you would get some good news some uh, news which would lead to some abundance if you are working from home this also means uh, fertility or a card for pregnancy for those who are hoping to uh, conceive or get some news about it you could get some good news tomorrow in love and relationships, you have the Three of Cups. This is the card of celebration. This is the card of spending time with your loved ones. Uh, this is the card of just, you know, submitting to love and uh, enjoying your time. This could be with your partner, your lover, your friends, or your family. In business, career, and finance, we have the Ten of Swords, which means the ending of something at work, uh, maybe a job, maybe. Uh, a, a job proposal, a contract, something that maybe has ended for you, not in a very positive way. But this card also signifies that if something has ended, it was not meant to be, and there is a new dawn right in front of you. So, something positive will come out of this. If there's anything for which you need an answer, please think of your question now and we'll see what the angels have to tell us the answer is listen to your intuitions this is a card that we get very often so i think uh, what the divine is trying to tell us that maybe you know what the answers are the answers are within you uh, just focus on the signs listen to your intuitions and you would be guided accordingly what is it that you need to surrender for tomorrow so that you know you experience some sort of a healing or positive change in your life it says surrender your fear of intimacy you are ready to let love in compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart such a wonderful message so this is all i have for everybody for the 18th of june as always please to keep your energies and vibrations high what you focus on is what you get and i will see you in your tomorrow's reading thank you